पंचोला क्षेत्र मोहल्ला कंजीवाली निवासी शिवम कुमार पुत्र स्वर्गीय किशन लाल ने एसएसपी को शिकायत की पत्र देते हुए बताया कि गत 23 जुलाई को उनका बड़ा भाई महावीर जल लेने के लिए ब्रज घाट निकला था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद वह घर वापस नहीं लौटा। प्रार्थी ने अपने भाई की गुमशुदगी की सूचना थाना हाजा पर दर्ज कराई थी, जिसके 3 दिन बाद थाना मंजुला क्षेत्र के खेत में अज्ञात शव मिला था, जिसकी परिजनों को सूचना दी गई थी। परिजनों द्वारा शिनाख्त करने पर शव की पहचान उनके भाई महावीर के रूप में की गई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था। पीड़ित ने शिकायती पत्र में बताया कि परिजनों ने गत 3 अगस्त को मृतक महावीर की पत्नी सुनीता से नावनात्मक तरीके से वार्तालाप कर पूछताछ की थी, जिसमें सुनीता ने स्वीकार किया था कि उसने ही बंटी पुत्र स्वर्गीय छोटे लाल व नकुल पुत्र डालचंद निवासी नया गाँव थाना मंजोला से मिलकर अपने पति की हत्या करने की योजना बनाई थी, जिसके एवज में उसने बदमाशों को 1,50,000 रुपये की सुपारी दी थी। प्रार्थी ने बताया कि उसने अपनी भाभी की जानकारी देने की मोबाइल द्वारा वीडियो बना ली, जिसके बाद उक्त घटना का वास्तविक खुलासा हुआ है। प्रार्थी का आरोप है कि उसने थाना मंजोला में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में अपने भाई की हत्यारों की हत्या करने वाले और षड्यंत्र रचने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम कुमार जी, क्या मामला दिक्कत है जो आज? मेरे भाई 23 तारीख को रविवार के दिन जल लेने के लिए घर से निकले थे, उसके बाद हमने सोमवार को देखा घर वापस नहीं आ पाए, हमने ढूंढा काफ़ी फिर मिल नहीं पाए, तो सर मैंने 25 तारीख को रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कराई। कौन सा थाना पड़ता है? थाना मंजोला। उसके बाद सर 3 दिन बाद उनकी बॉडी बरामद हुई फाजलपुर भोला नगरी खेत में। 28 तारीख को वहाँ पर जीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब सब वहाँ पर बरामद हुए थे, बॉडी भी सबने देखी थी। बॉडी को फिर कहाँ भेज दिया? पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद सर हम थाने गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, हमें कुछ पता चला कि हमारे भाई की हत्या हुई है। कौन कौन है, किसका शक है आपका? सर उनकी पत्नी ने 1.5 लाख रुपए देकर दो मुलजिमों के साथ मिलकर बंटी वे नुकुल और सुनीता उनकी पत्नी 1.5 लाख रुपए देकर हत्या करवा दी। आज किसके पास आयो? एसएसपी साहब के पास आए। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर कहा है क्या आपकी सुनवाई हो जाएगी, मगर थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई तो वहाँ पर हमारी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। 3 दिन वहाँ पर लगातार जाते हुए हो गए हैं सर, कोई ना कोई बहाना मिलाकर वापस भेज देते हैं। आपके भाई का क्या नाम था? महावीर। महावीर कहते कितने दिन की घटना हो गई है? सर 23 तारीख को। कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए सर। आप क्या चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ कातिलों को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मुझे न्याय मिलना चाहिए।